स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कल हमने 4.1 प्रश्न वाली पढ़ी थी, जिसमें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप लिखा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है। इसमें हमने ए बी सी के मान निकालना भी सीखा था। एक का मान होता है अक्ष का गुणज, अक्ष किससे गुणा हो रहा है वही एक का मान होता है। इसी तरह से वाई का गुणज होगा, फिर बी किससे गुणा, और सी है वो अचर पद रहेगा। उसके बाद में समीकरण की हमने कल प्रकृति भी देखी थी। यदि ए वन बट्टा ए टू, बी वन बट्टा बी टू और सी वन बट्टा सी टू, ये तीनों बराबर मान में आ जाते हैं तो समीकरण के अनंत हल होते हैं। इसी तरह से तीनों बराबर नहीं आते हैं तो अद्वितीय हल होगा, और पहले के बराबर दूसरा आ जाए, यानी ए वन ए टू के बराबर है बी वन बी टू, और तीसरा बी और सी बराबर नहीं होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। आज हमारे पास 4.2 प्रश्न आ गया है। इसमें पहला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। एक समीकरण दे रखा है वाई बराबर तीन एक्स प्लस पांच का, इसका ए दे रखा है, एक अद्वितीय हल है, एक नंबर अद्वितीय हल। दूसरा दे रखा है इसमें केवल दो हल, और तीसरा दे रखा है इसमें परिमित रूप से अनेक हल। आपको पता लगाना है इस समीकरण का हल कौन सा होगा इनमें से। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखो हल, यदि y बराबर में यहां जीरो ले रहा हूं, यदि y की जगह में जीरो रख रहा हूं, इसलिए तीन एक्स प्लस पांच बराबर जीरो बन जाएगा, यानी ऐसा का ऐसा वाई की जगह मैंने जीरो कर दिया, तीन एक्स बराबर जीरो माइनस पांच, और तीन एक्स बराबर माइनस पांच आ गया, इसलिए एक्स बराबर माइनस पांच बटा तीन। यहां वाई का मान मैंने लिखा जीरो, तो एक्स का मान भी एक आया है माइनस का, तथा यदि y बराबर जैसे मैंने पांच रख दिया, कुछ भी रख सकते हो आप, इसलिए तीन x प्लस पांच बराबर पांच, तीन x बराबर पांच माइनस पांच, तीन x बराबर जीरो, इसलिए x बराबर जीरो बताती है, यानी कि जीरो। तथा यदि y बराबर जैसे मैंने 10 रख दिया है, इसलिए 3x प्लस 5 बराबर 10, 3x बराबर 10 माइनस 5, ये प्लस का 5 इधर आ गया तो माइनस 5 हो गया, 3x बराबर 5, x बराबर 5 बटा 3। इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें कि y के एक मान के लिए, y का कोई भी मान ले लो, उसके लिए अक्ष का भी मान हमारे पास आ रहा है, अक्ष का भी एक संगत मान आ रहा है। तो इस तरह से इसके अद्वितीय हल का अर्थ होता है केवल एक एक ही उत्तर होते हैं। तो एक एक नहीं, देखो अलग अलग आएंगे, तीन तो हमने निकाल लिए, बाकी और आएंगे, दो हल भी नहीं है, दो नहीं है, हमने तीन तो निकाल लिए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल इसका होगा, इसलिए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब इसमें आप ऐसे, जैसे इसमें यह भी पूछा गया क्यों, तो क्यों का जवाब यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, देखिए क्योंकि
समीकरण में एक्स के मान के लिए वाई का भी एक संगत मान आता है। जैसे जैसे हम एक्स का मान चेंज करेंगे वैसे वैसे वाई का भी एक मान आ रहा है, तो के लिए वाई का भी एक संगत मान आता है। ये हो जाएगा इसका कारण। तो आप इनमें से y बराबर है या x बराबर है, x बराबर भी रख सकते हो, y बराबर भी रख सकते हो, और कोई भी मान रख सकते हो, कोई भी हमारे पास पूर्णांक रखा जा सकता है इसमें। उसके बाद में दूसरा सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। आपको चार हल निकले हैं लिखने हैं, इसमें समीकरण आपको दिए हुए हैं, प्रत्येक समीकरण के चार चार हल निकालेंगे। कैसे निकालना देखिए, दूसरा सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरणों के चार चार हल निकालिए। जैसे पहला दे रखा है इसमें, दूसरे का पहला, दो एक्स प्लस वाई बराबर सात। तो यहां पे आप चाहे इसमें एक्स का मान रख सकते हो या वाई का, पहले किसी का भी रख सकते हो। जैसे हल पहले मैं एक्स का रख रहा हूं, यदि एक्स बराबर जीरो, कुछ भी रख सकते हो आप, प्लस में रख सकते हो, माइनस में रख सकते हो। इसलिए दो गुणा एक्स की जगह आप जीरो रखोगे प्लस वाई बराबर सात। दो को जीरो से गुणा किया, जीरो प्लस वाई बराबर सात, इसलिए वाई बराबर ये सात। इसलिए हमारा पहला हल होगा, ध्यान से देखना, इसलिए अक्ष का मान जीरो था और वाई का मान सात। ये इसका इस तरह से निर्देशांक में लिखना है, पहला हल हमेशा अक्ष का माना जाएगा, दूसरा वाई का। तो एक हल हो गया है, उसके बाद में दूसरा हल निकाल, ये ए ले लो, बी, यदि अक्ष बराबर, जैसे एक ले लिया मैंने, अक्ष बराबर एक ले लिया, इसलिए दो गुणा एक प्लस वाई बराबर सात, यदि एक्स की जगह भी समीकरण में एक कर दो, दो को एक से गुणा करेंगे, दो प्लस वाई बराबर सात, और वाई बराबर आ गया सात माइनस दो, वाई का मान आ गया पांच। इसलिए दूसरा हल होगा इसका, जैसे एक्स बराबर एक रखा था तो एक और वाई का मान पांच आ गया, तो एक और पांच। इसी तरह से आप सी में तीसरा हल निकालोगे, इसके चार हल निकालने हैं, सी निकालेंगे, यदि एक्स बराबर दो हो, इसलिए दो गुणा दो प्लस वाई बराबर सात, दो को दो से गुणा किया, चार प्लस वाई बराबर सात, इसलिए वाई बराबर सात माइनस चार यानी कि तीन। इसलिए तीसरा हल हो गया, एक्स का मान दो रखा था और वाई का मान आया तीन, दो तीन। इसी तरह से हम लोग चौथा वो निकालेंगे, तो चौथा यहाँ देख लीजिए, डी, यदि अक्ष बराबर, जैसे मैं माइनस का रखता हूँ, अक्ष बराबर माइनस दो, इसलिए दो गुणा माइनस के दो, दो अक्ष है ना, दो गुणा अक्ष की जगह माइनस दो कर दिया, प्लस वाई बराबर सात, तो ये माइनस के चार हो गए और प्लस वाई बराबर सात, ये माइनस के चार यहाँ से इधर आएंगे, तो y बचेगा केवल y बराबर सात प्लस चार यानी कि ग्यारह आ गया, और ये इसका हल हो जाएगा, इसलिए x बराबर माइनस दो और ये हो गया y का मान ग्यारह। इस तरह से चार हल हो गए, जीरो जीरो रखा तो सात आया, एक रखा तो पांच, x की जगह एक रखा तो पांच आएगा y का मान, x की जगह दो रखा तो y का मान तीन आ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसमें जितना आपसे पूछा जाए ना उतने आप निकालोगे। तो इसमें चार चार हल पूछे थे, चार चार हल हमने निकाले। इसी के अंदर जैसे दूसरा सवाल देखते हैं, तो दूसरा सवाल भी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें आप इसको भी। सबसे पहले इसमें दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई, दूसरे का दूसरा सवाल है पाई एक्स प्लस वाई बराबर नौ,
बराबर है? नो। आपको एक्स और वाई में से एक को चेंज करना है, जैसे मैं अब की बार वाई का चेंज करता हूँ, तो हल ए, यदि वाई बराबर जीरो कर दिया जैसे मैं, इसलिए पाई एक्स प्लस जीरो बराबर नौ करोगे, पाई एक्स बराबर नौ, इसलिए एक्स बराबर पाई नौ बट्टा पाई नौ, ये पाई इसके नीचे, इसका हल हो जाएगा पहला एक्स का मान नौ बट्टा पाई कोमा वाई का मान जीरो, पहला हल ये हो गया। इसी तरह से फिर बी में नहीं जाएंगे हम, यदि वाई बराबर एक है तो पाई अक्ष प्लस एक बराबर नौ लिखोगे, क्योंकि ये समीकरण बना है अपना पाई अक्ष प्लस वाई, वाई की जगह हमने एक लिया तो एक लिया बराबर नौ है, तो पाई अक्ष यहीं पे रखेंगे बराबर नौ माइनस एक, और पाई अक्ष बराबर हो जाएगा हमारे पास आठ, इसलिए अक्ष बराबर आठ बट्टा पाई, ये अक्ष का मान आ गया। दूसरा हल हो जाएगा हमारे पास, इसलिए एक्स का मान तो आठ बट्टा पाई हो जाएगा और वाई का मान एक हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा सी निकालते हैं हम, सी यदि वाई बराबर दो ले लो, इसलिए पाई एक्स प्लस दो बराबर नौ हो जाएगा, पाई एक्स बराबर नौ माइनस दो और पाई एक्स बराबर सात, इसलिए एक्स बराबर सात बट्टा पाई। अब देखिए यहाँ पे, इसलिए आपका हल हो गया सात बट्टा पाई और वाई का मान हमने लिखा था दो, तीन हल हो गए। चौथा हल हम निकालते हैं डी, इसी में चौथा निकालते हैं हम डी, यानी इस समीकरण के लिए एक दो तीन हल हो गए, चौथा यदि वाई बराबर तीन। देखो भैया, इसमें ये ध्यान रखना कि आप चाहे अक्ष की जगह रख सकते हो चाहे वाई की, यदि वाई बराबर तीन, इसलिए पाई अक्ष प्लस तीन बराबर नौ। देखो पाई अक्ष प्लस वाई था, प्लस वाई की जगह तो हमने तीन कर दिया है, तीन रखा है, पाई अक्ष बराबर हमारे पास होगा नौ माइनस तीन, पाई अक्ष बराबर आ गया छः, इसलिए अक्ष बराबर छः बट्टा पाई, और इसलिए अंत में इसका तीस चौथा उत्तर दोगे आप, पहले अक्ष का लिखा जाता है छः बट्टा पाई और फिर वाई का मान आपके पास तीन है, तो तीन। इस तरह से ये चार हल होंगे इसके, हमसे चार ही पूछा गया है, इसमें अनंत हल होते हैं वैसे, जैसे पहला सवाल था ना वैसे ही, तो इसके अनंत हल होते हैं, आप और भी निकाल सकते हो, लेकिन हमसे चार ही पूछेंगे। अब इसके एक तीसरा सवाल बचा है, ये आप स्वयं निकालेंगे, जैसे दिया है अक्ष बराबर चार वाई, ये आप लोग स्वयं निकालोगे तीसरा। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम, इसमें ये उतार लीजिए पहले और तीसरा सवाल देखो, सवाल नंबर तीन देखिए। अब तीसरा सवाल सुनिए ध्यान से, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण है। 4.2 का तीसरा सवाल आ रहा है, इसमें एक समीकरण दे रखा है अक्ष माइनस दो वाई बराबर चार के हल है, और कौन कौन से हल नहीं है। आपको क्या करना है, इस समीकरण में नीचे कुछ हल दिए हुए हैं, हल ये दिए हुए हैं, जैसे पहला जीरो और दो, दूसरा दो और जीरो, तीसरा चार और जीरो, चौथा अंडर रूट के दो और चार अंडर रूट दो, पांचवा इसमें दे रखा है वो एक एक,
इन पांचों को आपको चेक करना है और इनमें से इस समीकरण के हल कौन कौन से हैं वो आपको पता लगाना है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं पहला हल, एक्स माइनस दो वाई बराबर चार समीकरण लिखिए पहले तो, और फिर एक नंबर एक्स बराबर तो जीरो है, देखो ये निर्देशांक लिखेंगे हम, ये एक्स और वाई के वैसे समीकरण में इसके हल है, तो एक्स का मान यहाँ जीरो है और वाई का, पहला एक्स का मान होता है दूसरा वाई का मान होता है, तो एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर दो लिखेंगे। इसलिए अब इसके अंदर मान रख दो, तो एक्स का मान हम लिखते हैं जीरो माइनस दो गुणा वाई आ गया, तो वाई की जगह दो बराबर चार। अब यहाँ पे ये दोनों तरफ बराबर आ गए तब तो समीकरण का हल है, वरना नहीं है। या फिर आप दूसरे तरीके से चेक कर सकते हो, यदि अक्ष बराबर जीरो तो वाई का मान निकालोगे फिर, तो वाई का मान आपके दो आना चाहिए, वाई का मान यदि दो आ जाता है तब समीकरण संतुष्ट है। तो आप तो इसमें इस तरह से चेक कर लो इसमें हल है या नहीं है, तो इधर माइनस के चार आए इधर प्लस के चार आए, तो आप यहाँ अंत में लिखोगे इसलिए जीरो और दो समीकरण के हल नहीं है, ये दोनों समान आने चाहिए, ये समान नहीं है तो बराबर नहीं है। उसके बाद में जैसे दूसरा चेक करते हैं हम दूसरा, तो एक्स माइनस दो वाई बराबर चार लिखो, और दूसरे में एक्स बराबर तो है दो और वाई बराबर है जीरो, तो एक्स की जगह आप दो कर दो और वाई की जगह जीरो कर दो, दोनों बराबर आने चाहिए। तो एक्स का मान यहाँ पे हमारे पास दो है ही, माइनस दो गुणा वाई का मान जीरो है ही बराबर चार, तो यहाँ देखो दो माइनस जीरो बराबर चार, यहाँ भी ये बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, तो आप इसको इस तरह से बराबर नहीं है का चिन्ह लगा दो, जैसे इसमें दो बराबर नहीं है चार, इसलिए दो कोमा जीरो समीकरण का हल नहीं है, इस तरह से लिखोगे। ये दोनों बराबर आते हैं समीकरण का हल होगा। जैसे हम लोग ये लेते हैं तीसरा, तो एक्स माइनस दो वाई बराबर चार, एक्स बराबर तो चार है और वाई बराबर हमारे पास है जीरो तीसरे, इसलिए एक्स यानी कि चार माइनस दो गुणा जीरो बराबर चार, चार माइनस चार जीरो हो गया, ये दो गुणा जीरो बराबर चार है, और ये आ गया चार बराबर चार, यहाँ पे चार बराबर चार आ गया है, इसलिए आप लिखोगे चार जीरो समीकरण का हल है, इस तरह से। जैसे एक और चेक करते हैं वो, और अंतिम आप चेक कर लोगे चौथा, यहाँ पे और चेक करते हैं, चौथा x बराबर है अंडर रूट के दो और y बराबर है चार अंडर रूट दो, तो x का मान लिखेंगे अंडर रूट दो माइनस दो गुणा y का मान लिखेंगे चार अंडर रूट दो बराबर चार अंक। अब यहां से अंडर रूट दो माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो चार दूनी आठ, आठ अंडर रूट दो हो जाएगा बराबर चार। उसके बाद अंडर रूट दो में से आठ अंडर रूट दो बैठाएंगे तो हमारे पास माइनस के सात अंडर रूट दो आएंगे बराबर चार, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए अंडर रूट दो और चार अंडर रूट दो समीकरण का हल नहीं है, इस तरह से ये सवाल करोगे आप। उसके बाद में हमारे पास सवाल नंबर चार, चौथा सवाल है, अंतिम अंतिम सवाल को देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स बराबर दो, एक्स बराबर तो दो है, y बराबर एक है, और ये समीकरण दे रखा है, समीकरण है दो x प्लस तीन y बराबर एक, तो ये बहुत ही सिंपल सा है।
हल दो गुणा अक्स, दो अक्स है ना, तो दो गुणा अक्स का मान दो है प्लस तीन गुणा वाई, वाई का मान एक है बराबर के हो जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास दो दूनी चार प्लस तीन गुणा एक यानी तीन बराबर के, इसलिए के का मान हो जाएगा दोनों का मान जोड़ा तो सात। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट रहती है। 4.2 कल हम 4.3 पढ़ेंगे। थैंक यू।